आप लोगों से बस ये आग्रह करने यहां पर आया हूं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना तय है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और पांच चरण के मतदानों ने एक बात को स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल चुका है और 4 तारीख को परिणामों के बाद पुनः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और यही आग्रह करने मैं आज पाटलिपुत्रा के तमाम महान मतदाताओं से यह आग्रह करने आया हूं कि जब देश में मेरे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पद की शपथ लें तो आपका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, आपका सांसद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे में विनम्र आग्रह आप सब से, मेरे अभिभावक मेरे पिता तुल्य आदरणीय रामकृपाल यादव जी जो जितने सौम्य स्वभाव के हैं उतने ही प्रतिबद्ध हैं आप लोगों के प्रति, आप लोगों के विकास के कार्यों को लेकर उनका समर्पण भाव मैंने खुद एक युवा सांसद होने के नाते लगातार पिछले 10 सालों से मैं उनसे सीखता आ रहा हूं। जो तत्परता आप लोगों के प्रति, आप लोगों के विकास के प्रति उनके मन में मैंने देखी, भले किसी मंत्री से मिलकर कार्यों को संपन्न कराना हो या प्रधानमंत्री जी या मेरे मुख्यमंत्री जी से मिलकर, उन्होंने हर समय उन्होंने वो तत्परता दिखाने का कार्य किया। साथियों, आज जब देश के प्रधानमंत्री को चुनने का ये चुनाव है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता कर शौचालय बनाने का काम किया, उज्ज्वला देने का काम किया। आज से पहले घर पे जब बीमारी आती थी तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, महिलाओं को जेवर बेचने पड़ते थे, पर आज उज्ज्वला के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने कराया। देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का गठबंधन भी है। राजद कांग्रेस के लोग हैं, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन छीनने का काम किया, और आज तो विधिवत तरीके से जमीन हथियाने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। विरासत कर लगाकर इनहेरिटेंस टैक्स पे कांग्रेस राजद के लोग काम कर रहे हैं, जो अगर कानून में बदल गया तो आप लोगों की जितनी जमीन है, महिलाओं का जितना जेवर गहना है, उसका 55% हिस्सा ये लोग लूटने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों, आज आप लोगों से यह आग्रह करने आया हूं कि जो झूठ ये लोग फैलाने का काम करते हैं, कभी बोलेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा, कभी बोलते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या, जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए हैं। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, पर हां खतरा है तो ऐसे महागठबंधन के लोगों से, जिन लोगों को
पांच पांच किलो अनाज मिलता है, ये महागठबंधन के लोग आएंगे उस अनाज को बंद करेंगे। जिन लोगों को 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है उस इलाज की योजना आयुष्मान को बंद करेंगे, किसान सम्मान निधि को ये लोग बंद करने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों ये विनम्र आग्रह है आप लोगों से, जरूरी है एक ऐसी मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना जो आप लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की सोच रखती है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2045 तक विकसित देश बनाने का है, उस संकल्प में हम सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, यह आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं। प्रधानमंत्री जी का आगमन कुछ ही देर में होने वाला है, ये विनम्र आग्रह आप लोगों से करते हुए कि आगामी 1 तारीख को 2 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर आप सब मेरे अभिभावक आदरणीय रामकृपाल यादव जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। सब लोगों का आशीर्वाद है ना, एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।